आप सबों को जयसु। दैनिक आहार के इस भाग में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में अधिक आध्यात्मिक भलाई और अच्छे क्रिश्चियन जीवन की ओर विकास के लिए त्याग की आवश्यकता को दर्शाने के लिए गेहूं के दाने के उदाहरण का उपयोग करते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। भरपूर फसल पैदा करने के लिए एक बीज को मिट्टी में गिरना और मरना जरूरी है। जिस प्रकार नए जीवन को जन्म देने के लिए बीज को मरना होगा, उसी प्रकार यीशु अपने ही मृत्यु का संकेत देते हैं, जिससे विश्वास करने वाले कई लोगों को मुक्ति मिलेगी या उनके अनुयायियों पर भी लागू होता है, जिन्हें आध्यात्मिक फल प्राप्त करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए, अपने पुराने पापमय जीवन से मरने के लिए तैयार रहना होगा, पाप छोड़कर प्रभु यीशु में नए जीवन अपनाना होगा। संत पौलुस के पत्र में प्रभु कहते हैं, आप लोगों को अपना पहला आचरण, पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। एक नवीन स्वभाव धारण करें, जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है। एफेसियों अध्याय 4 वाक्यांश 22 से 24। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, अपने जीवन को जांच कर देखिए, हमें किन चीजों से मरने की आवश्यकता है। हो सकता है अपने बुरी आदतों से, स्वार्थ या घमंड से, सांसारिक मोह माया से, इस प्रकार अनेक गलत चीजों से, जिससे कि हम एक नया जीवन प्रभु यीशु के द्वारा सिखाया गया राहों पर चलकर एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जी सकें। चलिए प्रभु की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।